खनन एवं अवैध खनन परिवहन को रोकथाम करने के लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा और मेरे द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। उसी के द्वारा उसी के क्रम में थाना प्रभारी सहसों द्वारा चेकिंग की जा रही थी, तो फिर कुछ एक रिवॉल्वर और दो तमंचे के साथ तीन लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। और जो अवैध रूप से ले जाकर चोरी की हुई मोरंग को बिना किसी रॉयल्टी के बिना किसी कागज के ले जाने का प्रयास कर रहे थे, तो उसमें से तीन ट्रैक्टर में भरी हुई ट्रॉली ये सब बरामद हुए और एक ट्रॉली जो है मोरंग के साथ वो गिरफ्तार हुई है, बरामद हुई है। तो ये बहुत अच्छी कार्रवाई है। आगे से भी हम सभी जो विभाग हैं, ARTO है, खनन विभाग है, सेल्स टैक्स है, इन सबसे कोऑर्डिनेट करके इंश्योर करेंगे कि इन सब लोगों के खिलाफ पर्याप्त पेनल्टी भी हो जाए और खनन माफिया के रूप में चिन्हित करके इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और आगे जो भी प्रिवेंटिव कार्रवाई है वो भी हो जाए, ताकि ऐसी अवैध गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ सख्त संदेश दिया जा सके। ओवरलोडिंग रोकने के लिए जो टास्क फोर्स का गठन हुआ था वो निरंतर जारी रहेगा? जी, जो टास्क फोर्स का गठन किया गया था उसमें DM साहब और मेरे द्वारा भी पुराने आदेशों के क्रम में ही नए उसमें सभी अधिकारियों को, सभी विभाग के अधिकारियों को लगाकर पुलिस के अलावा भी इसमें अवैध जो भी खनन हो रहा है, परिवहन हो रहा है, उसको रोकने का प्रयास किया जाता है।